देखिए ये लाइन पूरा बना लिए हैं। अभी देखिए दूसरा लाइन बना रही हूँ दूसरा कलर से। देखिए तीन क्रोशे के बीच से इस तरह से धागे को निकाल के एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन बनाए। पांच चेन बनाने के बाद देखिए इस चेन में एक क्रोशी, फिर दो चेन, फिर इस क्रोशी में एक क्रोशी, फिर दो चेन, फिर इस दूसरे चेन में एक क्रोशी, फिर दो चेन, इस चेन में क्रोशी, फिर दो चेन। अभी देखिए फिर से इस चेन में ये क्रोशी, फिर दो चेन। अभी फिर से तीन क्रोशी के बीच से एक क्रोशी, फिर दो चेन, फिर इस चेन में क्रोशी। तो इसी तरह से पूरा लाइन बनाना है। देखिए अभी दूसरा लाइन दिखा रही हूँ, ये लाइन बन गया है। तो अभी देखिए इस क्रोशी के ऊपर से क्रोशी, इस ये जो चेन है इस चेन में दो क्रोशी, फिर इस क्रोशी में एक क्रोशी, फिर इस चेन में दो क्रोशी, फिर क्रोशी के ऊपर से क्रोशी, फिर इस चेन में दो क्रोशी। तो इसी तरह से ये लाइन बनाना है। चेन में दो क्रोशी बनाना है और क्रोशी के ऊपर से एक क्रोशी बनाना है और ये लाइन इसी तरह से बनाना है पूरा। देखिए ये लाइन बन गया है। तभी देखिए दो क्रोशी छोड़ दिए एक, और ये दो तीन नंबर क्रोशी में एक क्रोशी बनाना है, फिर दो चेन, फिर एक दो तीन नंबर क्रोशी में एक क्रोशी, फिर दो चेन, फिर एक दो, दो क्रोशी छोड़ के फिर से तीन नंबर क्रोशी में एक क्रोशी, फिर दो चेन, फिर तीन नंबर क्रोशी में एक क्रोशी, फिर दो चेन, फिर दो क्रोशी छोड़ने के बाद एक क्रोशी तीन नंबर क्रोशी में। तो इसी तरह से ये लाइन पूरा बनाना है। देखें ये लाइन बना लिया है। अभी फिर से दूसरे कलर से क्रोशी बनाना है। तीन चेन, तीन चेन बनाने के बाद देखिए इस तरह से फिर से तीन क्रोशी बनाए, एक साथ धागे निकाले, फिर दो चेन, फिर दूसरे चेन में फिर से तीन क्रोशी, फिर तीन धागे एक साथ निकाले, चार धागे एक साथ निकाले, फिर दो चेन, फिर दूसरे चेन में फिर से इसी तरह से तीन क्रोशी, चार धागे एक साथ निकालना है, फिर दो चेन, फिर दूसरे चेन में फिर से तीन क्रोशी बनाए, फिर इस तरह से चार धागे निकाले, फिर दो चेन। तो देखिए इसी तरह से ये लाइन पूरा बनाना है, जैसे यहाँ पर बनाए हैं उसी तरह से। अभी इसके ऊपर भी एक लाइन इसी तरह से बनाना है। यहाँ पर तीन तीन क्रोशी बनाना है, फिर दो चेन, फिर तीन के चेन, तीन क्रोशी इस चेन में। इसी तरह से यहाँ पर जिस तरह से दो लाइन बनाए थे उसी तरह से यहाँ पर भी दो लाइन एक ही प्रोसेस से बनाना है।